हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू, मैं हूं आपके अपना राज भाई और आज आपके लिए लाया हूं बहुत ही ट्रेंडिंग बाइक जो कि हर किसी के घर में शुरू से बचपन से रही होगी। ये है अपनी इलेक्ट्रा जो कि देख सकते हो, रॉयल इनफील्ड इलेक्ट्रा। इसको कर देगा पूरा चेंज, देख सकते हैं सब इसका खोल दिया, अंजर पंजर सब निकल चुके हैं बाहर। इसका टैंक रैप हो गया, मडगार्ड रैप हो गया, पीछे का मडगार्ड रैप हो गया। ये थी आपकी ब्लैक शाइन और अब कर देगा ब्लैक मैट और इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशन इसके अंदर, एक एक करके दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले देख लो, ये देखिए ये खुल चुके हैं इसके टायर रिम जो कि ये हो रहे हैं पूरे चेंज। ये होंगे लगेंगे इसमें अलॉय जो कि मिलेंगे आपको साईं प्राउड के, देख सकते हैं। ये हैं इसके अलॉय जो कि मिलते हैं आपको साईं प्राउड के ओरिजिनल, ये इसमें लगने वाले हैं और वैरायटी बहुत सारी है, वैरायटी की टेंशन नहीं है। ये वीडियो मिलेगी आपको पूरी इसी चैनल पर, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लेना। और भी बहुत सारी मॉडिफिकेशन कर दी गई है और अभी करनी बाकी भी है, टोटल वीडियो मिलेगा इसी पर, तो कृपया बने रहना इसी चैनल पर। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इसके अंदर क्या क्या किया गया है और क्या क्या हुआ है वो आप डिटेल में बता दूंगा। गाड़ी आपके सामने है, देख सकते हैं अपनी ड्रीम बाइक बुलेट। जैसे कि रैपिंग मैंने बताया था, इसका जो कलर है ना वो दिखाता हूँ क्या, ये देखिए इसका जर्मन कलर है वो है इसका, ये आप देख सकते हैं थोड़ा जूम करके और दिखाता हूँ, नहीं दिख रहा, हाँ ये देखो ये इसका जर्मन कलर। और अब जो किया है ये देख सकते हैं, ये है इसका मैट कलर जो कि इसके अंदर किया गया पूरी गाड़ी खोल कर, ये गाड़ी पूरी गाड़ी खोल कर किया था इसका काम। इधर मरगाड़ हो गया, टैंक हो गया और लुक अप चकड़ और आपको दिखा रहा था, देखिए टैंक को ये आप देखकर जज भी नहीं कर सकते कि ये कलर था या किया गया है, क्योंकि हम जो काम करते हैं वो होता है प्रॉपर फिनिशिंग वाला। जैसे कि मैंने आपको दिखाई मडगार्ड हो गया, टैंक हो गया, साइड के पैनल्स हो गए देख सकते हैं, बैटरी बॉक्स हो गया या फिर होगी आपकी पीछे का मडगार्ड, और जो भी किया गया ये किया गया पूरा खोल कर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, बिना खोले ऐसे चेपा चापी कर देते हैं, बट ये भी आपके ऊपर है, आप और चाहते हो खुलवाना तो ही खुलेगी, अदरवाइज ये ऊपर से भी हो जाता है, क्योंकि ना खुलवाने के पैसे आपको देने पड़ते हैं तो उसके आपके चार्जेस लगते हैं जो कि लेबर वगैरह होती है, और टेप भी जा रहे तो टेप के पैसे लगते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले आप खुद माइंड मेकअप करके आएँ कि आपको कैसे करानी है, खुलवा कर या बिना खुलवाए, तभी ऐसा काम मिलेगा आपको खुलवा कराओगे तो। और ये आपने देख ही लिया, और उसके बाद मैं जो आपको अलॉय दिखा रहा था, जो अलॉय मैं दिखा रहा था आपको बाहर, ये देखिए अब यहाँ पर फिट होने के बाद क्या ज़बरदस्त लुकिंग आ रही है। और भैया सबसे मेन बात मैं आपको एक बात दोबारा बता देता हूँ, ये देखिए ये साईं प्राउड, ये रियल ओरिजिनल, जैसे राजू भाई SKD ओरिजिनल है ना, ऐसे ये साईं प्राडो ओरिजिनल है। पुराडो, पाराडो, इराडो सबको कर दो, ये सब बेकार है, असली यही है जो भी जो कि जनरल फिटिंग होती है और इजी टू फिटेड हो जाते हैं, प्लस इसमें कोई भी कंप्लेंट या कमी नहीं आती है अगर आप ये लगवाते हैं तो कहीं से भी। मैं वैसे डील करता नहीं हूँ किसी में भी, हेलो इसमें डील ही नहीं करता जी बताऊँ तुम्हें, लेकिन अगर वो जनरल लगवाना पसंद करता है तो फिर मैं ज़रूर डील करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं भैया ने जनरल काम कराया, मुझे अच्छा लगा काम करते हुए, तो देख लो लुक आप देखो, जैसे भैया ने मुझे बोला था मैंने सेम वही इनको दिए हैं और लुक जबड़े सारी इसके आगे से और पीछे वाले दिखाए तो आ जाओ, ये देखिए पीछे की भी लुक चकड़ कर लो क्या जबड़े सारी ऐसे लगने के बाद। और देखो आपके जो 30 स्पोक्स वाले हैं ये आपके, और लुक काफ़ी ज़बरदस्त है ऐसे लगने के बाद, जो कि जो बुलेट की जो लुक है ना वो जब ये लग जाते हैं, अलॉयज हो गया, लेग गार्ड हो गया, हेडलाइट हो गया, बार एंड मिरर हो गए और साइलेंसर लग गया, तभी इसकी लुक इनहेंस होती है, तभी मज़ा आता है बुलेट चलाने में, वरना बुलेट बुलेट नहीं बाइक लगती है। और भैया से पूछूंगा बाद में कि मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ। और ये हो गया इसके बाद, अब मैं दिखाता हूँ आपको हेडलाइट, ये देख सकते, ये इसकी हेडलाइट जो कि लगा दी गई है, ये आपकी घोस्ट वाली हेडलाइट, घोस्ट देखो चाबी ऑन करते ही इसका आपका रिंग चल गया जो कि आपका होता है वाइट कलर का। इधर आपको देखने मिल रहेगा ये घोस्ट जिसकी आँखों में, नाक में, मुँह में, सब में चल रही ब्लू कलर की लाइट। और इसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर जो इसके पैटर्न, देखिए ये इसके पैटर्न्स हैं, ये आपका लो पॉइंट हाई पॉइंट पर आपका कर दिया गया है, सारे लो है, ऑन है सिर्फ, ठीक है। तो ऑन करते ही इसकी लाइट जल चुकी है, प्लस आपका रिंग जो है वो आपका हो गया है येलो, ठीक है। इसके बाद ये हाई लो, ये देखिए हाई लो, हाई लो, जितनी बार हम इसका चाहेंगे हाई कर सकते हैं, लो कर सकते हैं, ये पैटर्न इसके अंदर खुद के हैं। और इसके बाद ऑफ करते हैं तो लुक चेकआउट कर लो क्या जबड़ा सारे से लगने के बाद, साथ में इसमें इंडिकेटर के ग्रिल लगाई गई है, देख सकते हैं इंडिकेटर आगे पीछे चारों तरफ ग्रिल लगा दी गई है, आपकी आइस ग्रिल भी लगा दी गई है इसके अंदर देख सकते हो आप। और उसके बाद लेग गार्ड, जो कि लेग गार्ड इसमें पहले से लगा हुआ काफ़ी हैवी, वो इसके अंदर इंस्टॉल है। इसके ऊपर ही लगा दिया फॉग लैंप, ये जो फॉग लैंप है ना, ये फॉग लैंप है आपके HJG सिंगल ड्यूल फ्यूचराइज, HJG के ओरिजिनल ड्यूल फ्यूचराइज के, ये हो गए बंद। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी रोशनी, ये देखिए ये हो गया येलो, रोशनी देखो क्या ज़बरदस्त है, सामने देखो भाऊ जी, ये देखिए ये इसकी रोशनी है, ये हो गया वाइट, ये हो गया येलो, और रोशनी काफ़ी ज़बरदस्त है। रोड पर निकलेगी तो आपकी बाइक को रोड लोग रोक के पूछेंगे भैया
ये लाइट कहाँ से लगवाई, इतनी ज़बरदस्त लाइट है, HJG ओरिजिनल, सबसे मेन HJG ओरिजिनल है, जो HJG ओरिजिनल पार्ट होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग लाइफ होते हैं और उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होती है। और क्लैम देखो इतना मोटा इसका वो है ना, ये लेग गार्ड इसके अंदर लगा देंगे, हैवी क्वालिटी के मोटो जीने इसके देख, काफ़ी हैवी क्वालिटी के ये क्लैम्प्स हैं जो कि इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं। और ये होता है यूनिवर्सल फिटिंग, किसी में भी कहीं पे फिट कर सकते हैं, यहाँ फिट कर लो, यहाँ फिट कर लो, जहाँ आप चाहो वहाँ फिट हो जाते हैं इजीली। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देखते बार एंड मिरर, ये है इसके बार एंड मिरर जो कि आपको देखने में मिलेंगे, लुक कुछ इस तरीके से ज़बरदस्त लुकिंग आ रही है इसकी। और ये थर्ड क्वालिटी नहीं होता मेरे पास, ये होते हैं फर्स्ट कॉपी, नॉर्मली जो कंपनी होती है उसी के जैसे है, सेम वैसे ही है, फर्स्ट कॉपी है जो इसके अंदर लगा दिए गए। मार्केट में बहुत सारे थर्ड कॉपी मिल जाएंगे आपको, बट ये हैं आपके फर्स्ट कॉपी जिसने लगा दिए हैं, जो कि रॉयल एनफील्ड की कंपनी में मिलते हैं, बहुत ही ज़्यादा महंगा, बट मेरे पास इतना महंगा नहीं है, सस्ता है, ज़्यादा महंगा नहीं, मीडियम रेंज के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटी आप देखेंगे। इधर भी सेम मिलता है आपको, इस तरह भी देख सकते हैं। और साथ में जो बटन था ना इसका, CNC देखिए, इस बटन से प्रॉब्लम चलती है, CNC बटन है, नॉर्मल लोग इस वाले बटन से लगा के ना प्रॉब्लम चला देते हैं, पर फ़ायदा कुछ नहीं है, इससे आपकी वायरिंग शॉर्ट होने का खतरा ज़्यादा होता है। और साथ में इसमें लगा देंगे हैंड ग्रिप, जो कि देख सकते हो, ये हैंड ग्रिप इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले जर्मन जो थे वो हटा दिए गए हैं, ये इसके अंदर लगा दें दोनों तरफ, जिससे काफ़ी कंफर्टेबल होने वाली है आपकी बाइक। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर, पीछे देखें दिखाऊंगा आपको, ये इसके अंदर लगाए दो इंडिकेटर जो कि ओरिजिनल इंडिकेटर हैं स्विस के, ये इसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, ग्रिल मैंने बताई दी थी आगे पीछे दोनों लगाई है, ये इसके इंडिकेटर ओरिजिनल लगा दिए गए हैं इसके अंदर। लुक आप चेकआउट कर लो, ज़बरदस्त लुकिंग आ रही है इसकी, क्योंकि इसके ओरिजिनल लोकल हमने लगाए नहीं है, ये भी जाली लगे लगा दी गई है इसकी। और अब एक चीज़ और सुना था जो कि मेन है बहुत, वो है इसका लास्ट मेरी वीडियो जिसने इंस्टाग्राम पर, मैंने जस्ट ऐसे ही वीडियो डाल दी थी, एक छोटा सा शॉर्ट 30 सेकंड का, और वो आप लोगों ने इतना प्यार दिया उस वीडियो को, मुझे मेरा दिल खुश हो गया उस वीडियो, तो मैंने कहा यार क्यों ना बुलेट की वीडियो बना ही लेता हूँ, पूरी वीडियो में देखते हैं आपको कितना, आप मुझे कितना प्यार देते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं। और जिसको भी सामान चाहिए ना, देखो ऑनलाइन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, बट ओरिजिनल लोग हैं तभी, लोकल में मैं डील नहीं करता, लोकल मार्केट में बहुत बैठे हैं, आप कहीं से मंगा सकते हो, मैं हमेशा दूंगा तो ओरिजिनल दूंगा, अगर आपको सिलेंसर चाहिए तो सिलमन का दूंगा, लोकल नहीं दूंगा, एलॉय चाहिए तो साईं प्राडा को दूंगा, लोकल नहीं दूंगा, इंडिकेटर मंगाओ तो ओरिजिनल दूंगा, और हेडलाइट वगैरह जो होगी HJG की होगी, फॉग लैंप होगी तो ये भी HJG की होगी, लोकल में मैं डील नहीं करता, ये मैं पहले वीडियो में बता रहा हूँ, कहीं आप मुझे बाद में बोलो भैया हमें तो ये सस्ता मिल रहा है, बुलेट का हर किसी को नॉलेज होती है सस्ते की अच्छे की, तो जिसको नॉलेज हो वो आप मेरे से ले सकता है, ओनली फॉर बेस्ट क्वालिटी। अब मैं सुनाता हूँ इसकी, इसके अंदर जो लगाया है ये है आपका छोटा पंजाब शॉर्ट कैन। शॉर्ट कैन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना जो छोटा पंजाब आता है ना उसका जो होता है मुंह बड़ा होता है, और ये है आपका छोटा मुंह लाइक जर्मन टाइप, तो इसे कहते हैं शॉर्ट कैन। इसी के अंदर आता है अपना केन दोरी, जो कि लुक इसी तरीके से, और वो प्लेट वगैरह लगी होती है, तो उससे क्या होता है जो आपका जर्मन होता है ना उसकी प्लेट इसके अंदर फिर, तो वो केन दोरी होता है। तो इसके बहुत सारे मॉडल होते हैं, बहुत से जिसको नॉलेज है उनको पता होगा, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, शायद आपको पता हो बताना ज़रूर। वैसे इसका जो मैं नाम है रियल नाम इसका यही है। अब मैं बताता हूँ साउंड, ये हो गई इसकी जस्ट स्टार्ट करते हुए नॉर्मल साउंड बिना थ्रोटल के, और अब देता हूँ थ्रोटल देते कैसी साउंड आती है इसकी, गजब साउंड है भाई साहब इसकी, मज़ा आ गया। लोग परेशान ना हो तो हो जाएंगे इस एग्जॉस्ट से, साइलेंसर से, मुझे पता है। और अब मिल पाता हूँ भैया से, जिन भैया की बाइक है, उनको हमारा काम कैसा लगा, काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, सुबह से बैठे हो भैया, और अब जाके इनकी बाइक तैयार हुई है, तो मिलते हैं भैया से। तो हेलो भैया, कैसे हैं आप, और आप ये बताइए इतनी देर से सुबह से आप वेट कर रहे हैं आपकी बाइक रेडी होने का, ऑल अबाउट आपको काम कैसा लगा, मेरा सजेशन कैसा लगा, और फिर हमारा काम कैसा लगा। मेरे को तो पहले यहाँ से मैं हर चीज़ करा के जा चुका हूँ, ये मेरी दूसरी बाइक है, मैंने सारा काम यहीं से इसलिए कराया क्योंकि भैया पे मुझे पूरा ट्रस्ट था, और जो भी काम होता है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अच्छे से होता है, तो मेरे को पूरा यकीन था कि भैया तो सही से कर ही देंगे, और भैया का यूट्यूब चैनल है तो सब जानते ही है, और जिनकी बाइक है मैंने उनको भी दिखाया, उन्होंने भी बोला है कि अच्छा ही कराया, जो भी है सारा चीज़ सही है, बाकी थैंक यू जितना आपने किया, पर वेट मेरे से हो नहीं रहा था, पर फिर भी वेट के बाद लग रहा है कि चलो कुछ तो काम सही हुआ। देखो मैंने भैया को टाइम दिया था, भैया आप बताओ कितने बजे टाइम दिया था, पहले ही बताओ। मुझे अपने मुंह से टाइम दिया गया था 7:30 से 8 बजे तक का। और टाइम क्या हो रहा है बता दे आप? 7:30 से 8 बजे रहे। देखा एग्जैक्ट टाइम पे मैंने गाड़ी, तो मेरी तरफ से डिले नहीं है, मेरी तो डिले नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया, मुझे पता था इतना समय लगता है, क्योंकि काम बहुत सारा था आपका, और इतने सारे काम के अंदर इतना समय लाजमी था जो मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। तो टाइम पे काम हो गया, अच्छा काम हो गया, ट्रस्ट जो लेकर आए थे वो उस पर खरे उतरे नहीं उतरे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
तो ऑल अबाउट सेटिस्फाइड है हमारे काम से। तो अच्छा एक चीज़ और मैंने आपसे पूछना चाहूँगा अलॉय के बारे में, क्योंकि आप मुझसे कह रहे थे मैंने क्या कहा था वो बताए हमारे व्यूअर, पता क्या कहेंगे, नहीं तो ये तो पूरा काम करता नहीं है, अलॉय बोलते थे मना कर रहा था, सिलेंसर मना कर रहा था, तो आप एक बार बताइए। अलॉय तो आपने भी मना किया था, हम भी कहीं और से लेने जा रहे थे, तो भैया ने ही बोला कि एक बार मैं पता कर लेता हूँ, आपको अगर चाहिए तो जेन्युइन अच्छे में बता देता हूँ ओरिजिनल। तो इन्होंने कोई पराडो करके कोई बताया था मेरे को, साई पराडो, मैंने कहा ओरिजिनल है, बाकी लोकल मैंने बताया था कि पराडो 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 साई पराडो, मतलब साई पराडो ओरिजिनल, बाकी सब नकली है। तो सेम वही फिनिशिंग कैसी लगी? सब कुछ अच्छा था, भैया ने पूरा इंतजाम खुद ही करवा के सब कुछ करवाया था कि काम हो जाए, तो ऑल सेटिस्फाइड है। अगर कोई वारा बंदा आना चाहे, देखो बुलेट तो मैं सही बताऊँ मेरे चैनल पर दूसरी बुलेट आएगी अभी, एक पहले डाल रखी है मैंने और ये दूसरी बुलेट होगी मेरे चैनल पर जो कि डलेगी आपकी। तो ऑल अबाउट आप इस काम से सेटिस्फाइड है तो बता दिया, आप कोई और आना चाहे ज़रूरी निकाले बुलेट, कोई और गाड़ी भी लेना चाहे तो क्या चाहिए क्या सजेस्ट? बिल्कुल उसको आना चाहिए भैया, सेटिस्फाई वो अपने काम को आपके काम को देख के होना चाहिए, जो वो चाहता है कराना वो सारे काम यहाँ हो जाते हैं, वही है। तो वीडियो को कंप्लीट करते हैं, बहुत देर हो चुकी है, तो वीडियो चले हुए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना राजू भाई SKD को, जो कि मिलने वाला आपको यूट्यूब पर भी सेम मिलता है आपको इंस्टाग्राम पर भी। तो फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, जय माता दी, गुड बाय।